असलम स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड टुडे आई एम विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू इज़ गोइंग पब्लिश्ड और वो आपने सुन लिया हुआ है वीडियोस आपने ले ली हैं लेक्चर नंबर वन में हमने डिस्कस किया था जी बैकग्राउंड ऑफ़ द एजाइम और वाट आर इन्जाइम्स एक्चुअली और जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस की थी इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड के अभी तक uh, के लेक्चर्स में हम एक्टिव साइट की बात कर चुके हैं हम सबस्ट्रेट की बात कर चुके हैं हम बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट को थॉरली डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा वी आर फेमिलियर विद को फैक्टर एंड इट्स टाइप्स अदर दैन दैट उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि वॉट आर दी मॉडल्स जो इन्जाइम फॉलो करता है फॉर इट्स रिएक्शंस टू टू गेट रिएक्टेड विद एनी सबस्ट्रेट तो हमने कहा था कि हम उसकी बेसिस के ऊपर इन्जाइम को दो क्लासेज में डिवाइड करते हैं रेगोलेट्री एंड नॉन रेगूलेटरी वान्स सो टूडे आई एम विद एक्टिवेशन एनर्जी और उसके बाद फिर हम फैक्टर्स देखेंगे जो इंजाइम के रेट को अफेक्ट करते हैं इफ़ यू आर लुकिंग ओवर दैट साइड ऑफ द बोर्ड तो मैंने इसके ऊपर ये फैक्टर्स मैंशन किए हुए हैं टेम्परेचर पी एच एनजाइम कंसन्ट्रेशन और सब स्टेट ये चार फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड दैट हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्जाइम्स का क्या रोल है इस एक्टिवेशन एनर्जी में सो लेट्स री कॉल अब आपने फर्स्ट लेक्चर जो लिया था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इन्जाइम्स को डिस्कस किया था उसमें एक पॉइंट था जब हम प्रॉपर्टीज को लाइन अप कर रहे थे तो देर वॉज अ पॉइंट कि इन्जाइम्स में दे माइट रिड्यूज देशन एनर्जीफुल टू रिड्यूज एनर्जी इन्जाइम्स क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं उसको रिड्यूज कर देते हैं सो so, ओके okay. अगर हम इसके एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का एक थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट यह है कि इट इज़ दमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अपनी मॉलिक्यूलिकली डू नॉट रिएक्ट विद वनदर जैसे फर्ज करें कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल ए से दिस इज बी एंड से दिस इज सी अब ये तीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वन अनदर खुद से ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे अब क्या होगा कि एंजाइम्स विल बेसिकली मोल्ड अप दीज मॉलिक्यूल्स या बेसिकली क्यों रिएक्ट नहीं करे फर्स्टली तो इसको देखते हैं आ, ये तीनों चीजें रिएक्ट इसलिए नहीं करी बिकॉज इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं जब तक वो एनर्जी लेवल सेम नहीं होंगे दैट वुड नॉट रिएक्ट ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जैसे अब यही वाला लेक्चर है और वो एक आप किसी फिफ्थ क्लास के बच्चे को दे दें तो वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि उसकी उसका कैलिबर अभी इतना नहीं है कि वो इन चीज़ों के साथ मैचअप कर सके तो सेम इज द केस विद दिस कि ये तीन चीज़ें आपके पास रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनके एनर्जी लेवल्स सेम नहीं है अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि बेसिकली वो एनर्जी लेवल वो राइज इन एनर्जी लेवल जो हमें चाहिए इन ऑर्डर टू मेक मीट अप और इन ऑर्डर टू मेक रिएक्टेंट्स रिएक्टेड विद वन दिसर उस मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं देखिए एक्टिवेशन का मतलब ये ना कि एक्टिवेट हो रहा है इनिशिएट हो रहा है सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली और हम ये कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है किसी दो चीज़ों को रिएक्ट करवाने के लिए अच्छा अब इसमें दो सिस्टम्स uh, को हम डिस्कस कर देते हैं बारी बारी अब एक्टिवेशन एनर्जी के रेफरेंस से लिविंग और नॉन लिविंग्स का जो एक कंपेरिजन uh, है वो ले आते हैं अभी इसमें लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम्स का बिहेवियर टूवर्ड्स दी एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंट देखें जैसे कोई नॉन लिविंग सिस्टम है फर्ज करें कि दो रिएक्टेंट्स हैं सपोज आपने वाटर के अंदर कोई चीज़ एडअप करनी है सो नॉन लिविंग सिस्टम को वी कैन हीट अप डायरेक्टली हम उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं राइट लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता लिविंग सिस्टम को तो हीट नहीं दे सकते ना सो लिविंग सिस्टम में ऐसा नहीं है पॉसिबल क्यों नहीं है पॉसिबल बिकॉज लिविंग सिस्टम हैज सर्टन थर्मोलेबाइल प्रोटीन्स अब ये थर्मोलेबाइल प्रोटीन्स की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली व्हाट आर थर्मोलेबाइल प्रोटीन्स थर्मोलेबाइल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं विच आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर ये जो थर्मोलेबाइल प्रोटीन्स हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव हैं So, हम जो लिविंग सिस्टम के सिस्टम के एंजाइम्स हैं वो वर्क करें एट अ वेरी ऑप्टेमल कंडीशन फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें ह्यूमन बॉडी को ले तो मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन सेल में देर आर थर्टीन हंड्रेड डिफरेंट इंजाइम्स और यू विल गेट एन अदर टाइम वेरी सरप्राइज टू नो कि देर आर था प्लेस एट वन टाइम ह्यूमन सेल्स के अंदर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सो so, वो केमिकल रिएक्शंस कौन करवा रहा है enzymes. और enzymes क्या हैं तो those proteins are proteins. Means कि अगर आप उसका temperature enhance करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उन एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी तो हम डायरेक्टली दे विल बिकम इनएक्टिव अगर आप थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा रहेगा वहीं उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, लेकिन वो कंडीशन में चला जाएगा रिएक्ट नहीं करेगा मगर अगर आप उसको मजीद करते हैं या मजीद उसमें आगे या पीछे लेके जाते हैं तो विल गेट डी नेचर डी नेचर कैसे आपने पढ़ा था कि प्रोटीन डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है सेकेंडरी हो सकता है टर्सरी हो सकता है क्वार्टर हो सकता है अब जब आप उसको हीट अप करते हैं हम जब उसको एन्जाइम को हीट देते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं कम या ज़्यादा तो होता क्या है कि वो जो फोल्डिंग्स हैं वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करें तो वो फोल्डिंग्स अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं इन्जाइम ओपन होना शुरू होता है खुलना शुरू हो जाता है इन्जाइम वुड नॉट रिमेन इंटैक्टेड टूवर्ड दैट स्ट्रक्चर जो उसका एक कॉम्प्लेक्स या जो भी जिस भी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर वो स्ट्रक्चर रहता नहीं है अगर वो स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता तो डेफिनेटली उसकी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो सकेगी ना उसकी एक्टिव साइड भी आप समझ लें कि ओपन हो जाएगी अनकॉइल हो जाएगी तो अगर एक्टिव साइट ही नहीं रहेगी तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करे सो ड्यू टू दीज थर्मल प्रोटीन्स हम लिविंग सिस्टम्स को डायरेक्टली हीट अप नहीं कर सकते सो इफ यू कैन नॉट हीट अप तो फिर हमारे पास एंजाइम्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा अब हाउ एंजाइम्स आर प्लेइंग देयर रोल इंजाइम ने क्या करना है मतलब कौन सा मेरिकल है जो इंजाइम यहां पे प्ले करेगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी में रिडक्शन आ जाएगी देखें लेट्स सी वन रिएक्शन सपोज हेयर इज आ ए एंड अनदर बी ओके दे आर नॉट एग्री टू गेट रिएक्टेड विद वन अनदर ठीक है जी ये राजी नहीं है रिएक्ट करने के लिए अब क्या होगा कि एंजाइम ने क्या करना है सपोज कि इस ए का एनर्जी लेवल कम है एनर्जी स्टेट जिसमें ये एग्जिस्ट रहा है वो लोअर है और ये इससे मीट नहीं करता सेम एनर्जी लेवल पे नहीं आता तो दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट सो अब हम क्या कहते हैं हम कहते हैं जी इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए एंजाइम क्या करता है एंजाइम विल रिएक्ट विद, विद वन ऑफ या वन ऑफ दी रिएक्टेंट्स जब एंजाइम सपोज करें ए से रिएक्ट किया तो इट इज मेकिंग एच इज एंजाइम एंड रिएक्टेंट ए कॉम्प्लेक्स और ये ट्रांजेशन कॉम्प्लेक्स है राइट right? अब हमारे पास निक्सर में क्या चीज मौजूद है ये बी रिएक्टेंट बी और इंजाइम इससे रिएक्ट कर गया है ए से तो इट इज मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स विच इज ई ए कॉम्प्लेक्स अब क्या हुआ कि इसका एनर्जी लेवल हुआ इंक्रीज दिस इज नाउ कैपेबल टू रिएक्ट विद दिस अब क्या हुआ कि इसने बनाया ए ने रिएक्ट किया बी के साथ ये हमारा हो गया जी डिजायर्ड प्रोडक्ट और इन्जाइम आफ्टर द रिएक्शन इज सेम एज इट इज ओके होगी बात इन्जाइम ऐसी आ जाता है अब ये जो इंजाइम है ये रेडी है किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सो लेट्स कम टू वर्ड्स दी कंक्लूजन और फिर हम उस ग्राफ से एक्सप्लेन भी करेंगे कंक्लूजन क्या है जी एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बेसिकली दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और विच इज Uh, actually needed to initiate any sort of reaction is known as activation energy, or enzymes are playing playing a very critical role in this by reducing this activation energy for certain reactions. Let's have a look at this graph. Uh, rate of reaction rate per reaction proceed Okay. This is the amount of energy. और ये आपके पास ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर in में है अब आपके पास एंजाइम्स के बगैर जो रिएक्टेंट्स को एनर्जी लेवल चाहिए था वो ये ब्लैक से शो हुआ है विदाउट एंजाइम्स दिस मच एनर्जी वाज रिक्वायर्ड आप इसको कोई भी आ, मतलब फिगर ले लें लेकिन आपको ग्राफ से शो हो रहा है कि ये इंक्रीज है जब हम एंजाइम डालते हैं तो दिस एनर्जी लेवल इज रिड्यूस्ड अब ये जो रेड बार से मैंने शो किया हुआ है ये विद एंजाइम

सो हेयर लेट्स गो फर्दर हम अगली जो uh, चीज़ जिसको डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स उनकी हम बात करने लगे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स आर लिस्टेड बिफोर दैट विच इज़ टेम्परेचर पी एच की कंसनट्रेशन और साफ की कंसनट्रेशन है चार चीज़ें जो आप पास को अफेक्ट करती हैं और हम उनको अभी वन बाई वन स्टडी करेंगे अब इन्ज़ाइम एक्शन को अगर मैं डिफाइन कर लूँ कि एक्चुअली इंजाइम एक्शन है क्या या इंजाइम की रिएक्टिविटी को अगर हमने एक आ, किसी पैड डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेन करना हो तो वी माइट से दैट द रेट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट जितने लीस्ट टाइम में या जितने भी टाइम में इंजाइन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा हम उसको कहेंगे कि एक्चुअली दैट इज द रेट ऑफ इन्जाइम एक्टिविटी विल बी विलड बाय दैट सो लेट्स टेक आउट के टेम्परेचर कैसे इसको अफेक्ट करें सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे सो so, टेम्परेचर पे जा जाते हुए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वाट इज एक्चुअली टेम्परेचर इफेक्ट हीटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है विदाउट कीपिंग इन माइंड दी दाइन हम जनरल एक बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं करें हम जनरली एक बात करें कि जब हम हीट करते हैं किसी भी सिस्टम को तो नंबर ऑफ कलेंस गेट इंक्रीजेस वेन दी नंबर ऑफ कलेंस इंक्रीजेस

अब होता क्या है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो डायरेक्टली उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम ये कहते हैं कि इनिशियली वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू टेन डिग्री सेल्सियस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू टेन डिग्री सेल्सियस इज गोइंग टू डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन राइट मैं दोबारा रिपीट करती हूँ मैंने कहा कि हम जब टेम्परेचर को टेन डिग्री सेल्सियस इन्हांस करते हैं इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का जो जो जिस स्पेस पे रिएक्शन होता है दैट बिकम्स अब नाउ जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो हेयर कम्स द टेम्परेचर वन क्लिकिंग पॉइंट वेयर द एंजाइम इज गोइंग टू शो इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वर्किंग वेयर द एंजाइम इज एक्टिविटी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर इंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं दिम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे इंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है दैट इज नोन एज दी ऑप्टिम टेम्परेचर नाउ द क्वेश्चन इज इफ वी आर गोइंग टू इनक्रीज देशर फ्राम दैट पॉइंट फ्राम दैट आइडियल और सेट और ऑप्टिम पॉइंट वॉट विल देन हैपन और अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा अच्छा अगर मैं इस टेम्परेचर को इनक्रीज करती हूँ अबव दैट लेवल जैसे फर्ज करो किसी कोई भी एंजाइम है सपोज और मेरे पास लेट एक्स वाई जी

कि हमारे पास एंजाइम विल शो मिनिमम एक्टिविटी फर्स्ट पहले उसका एक्टिविटी रेट डाउन होना शुरू होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद एंजाइम विल गेट डी नेचर डी नेचरेशन का क्या मतलब है डी नेचरेशन का मतलब यह है कि एंजाइम का सेकेंडरी या याट्री स्ट्रक्चर इज नॉट अटेन नाउ मेंटेन नहीं रहा मेंटेन क्यों नहीं रहा मेंटेन नहीं रहा उसका सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर बिकॉज देयर इज दी अनफोल्डिंग या आप कह लें कि देयर इज दी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स इनसाइड उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो बॉन्ड्स थे जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोटीन का स्ट्रक्चर है प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का अगर हम उसको देखते हैं तो यूजअली जो बॉन्ड्स होते हैं दैट आर पैप्टाइड डेफिनेटली वो बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है तो वो पैप्टाइड लिंकेज से जुड़ा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा एलेक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स पड़ी थी तो अल्फा एलेक्स या सेकेंडरी जो भी स्ट्रक्चर है आपके पास उसमें जो नेचर ऑफ बॉन्ड है यूजली दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप पढ़ते हैं फिर uh, ट्री की बात की जाए तो द मोस्ट प्रोमिनेंट इज द डाइसल्फाइड ब्रिजेस और लिंकेजेस और अगर हम क्वार्टरनरी की बात करते हैं तो देर आर सर्टन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन्स व्हेन लाइक वाटर uh, में कोई भी आपके पास एंजाइम है विच इज सॉरी अमाइनो एसिड है विच इज़ नॉन पोलर एंड दैट इज गोइंग टू प्रोटीन के रेफरेंस है वैन अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड इज गोइंग टू इंट्रैक्ट विद वाटर तो दैट इंट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन सो हम ये कहते हैं कि जी हाइड जो भी आपके पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो टेन नहीं रहेगा क्योंकि जो भी उसकी नेचर ऑफ बॉन्ड है वो थोड़ी बहुत सेंसिटिव होगी ही टेम्परेचर से ऐसा नहीं हो सकता कि वो उससे सेंसिटिव ना हो सो so, आपके पास हेयर विल गेट दी अनफोल्डिंग अनफोल्डिंग होगी और बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे जब बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे और अनफोल्डिंग होगी तो साथ ही आपके पास क्या होगा डेफिनेटली एक्टिव साइड एंजाइम का पार्ट है तो एक्टिव साइड भी इफेक्ट होगी वेन एक्टिव साइट विल गेट चेंज इट्स शेप तो बी एबल टू बाइंड विद दैट सो इज नो पॉसिबल जीरो तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उस ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा तो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है और एंजाइम खुद भी खत्म हो जाता है बिकॉज दैट गेट दैटर अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं रिड्यूस करते करते हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक ले आते हैं कम करते हैं टेम्परेचर को तो क्या होता है एंजाइम वोंट बी लाइक डी जेनरेटेड इन्जाइम डी डी नेचर नहीं होगा बट एंजाइम विल गेट इन एक्टिव राइट मैं रिपीट करती हूँ मैंने कहा कि अगर हम रिड्यूस करते हैं टू दी फ्रीजिंग पॉइंट तो एंजाइम विल गेट इन एक्टिव बट नॉट डी नेचर यानी एंजाइम का स्ट्रक्चर इंटैक्टेड रहता है लेकिन वर्किंग कोई नहीं हो रही उसकी कंडीशन ऑप्टेम नहीं है तो वर्किंग कोई नहीं सो so, आपके पास दैट रिमेन्स इन एक्टिव दैट रिमेन इन टैक्टिव डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है वर्किंग नहीं कर रहा लेकिन नॉट डी नेचर स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं जी मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है मैक्सिमम टेम्परेचर में हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर रेंज हर एंजाइम के लिए डिफरेंट है क्योंकि ऑप्टिमम हर एंजाइम का डिफरेंट है मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब है जी वो टेम्परेचर पॉइंट जिस पे एंजाइम गेट डी नेचर ज नोन एज दी मैक्सिमम टेम्परेचर वॉट वो टेम्परेचर पॉइंट जिसपे इंजाइम डी नेचर हो जाए अपना स्ट्रक्चर लॉस कर दे आप इंक्रीज भी करते जाए टेम्परेचर तो फ्रिक्वेंसीज क्लाइन की फ्रीक्वेंसीज बढ़े लेकिन फिर भी एक्टिविटी डिमिनिश हो तो उसका क्या मतलब है कि एंजाइम डी नेचर हुआ है और वो टेम्परेचर जिसपे इंजाइम इज गेटिंग डी नेचर हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर ओके अब ये मैक्मम टेम्परेचर हर इंजाइम के लिए अलग है वजह यह है कि ऑप्टिम हर एंजाइम के लिए अलग है अभी एग्जाम्पल्स में आते हैं तो लेकिन उससे पहले हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो बॉन्ड जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है दी अगर हम बॉन्ड टाइप्स को डिस्कस करें तो हम कहते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड इज द मोस्ट सेंसिटिव टाइप ऑफ बॉन्ड टूवर्ड्स इन टेम्परेचर टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम को अगर देखा जाए और टेम्परेचर सेंसिटिव बॉन्ड्स को देखा जाए एंजाइम्स के अंदर या वैसे भी जनरली टॉकिंग भी तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा रेडली इफेक्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की विद रेफरेंस टू सर्टेन टेम्परेचर तो हम कहते हैं जी एग्जांपल्स में मिसाल के तौर पे ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी का जो एक आइडियल टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम्स ने वर्क करना है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का जो आइडियल टेम्परेचर है दैट इज 37 क्योंकि और हमारे सारे एंजाइम इस टेम्परेचर के ऊपर एक्ट करते हैं इसी तरह अगर हम किसी हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरियाज की एग्जाम्पल ले लें किसी हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट बैक्टीरिया की एग्जाम्पल ले लें तो दैट माइट बी सेवेंटी और दैट माइट बी एटी एज वेल इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इस रेंज में कहीं भी हो सकता है डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में चीज़ प्रेजेंट है सो so, आपके पास अगर कोई एनवायरनमेंट सक्सेसफुली उसमें रिएक्शन हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो enzyme, जो चीजें उसमें प्रेजेंट हैं, वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है, सी बात हो रही है उनके उस टेम्परेचर पे वो इंजाइम वर्क करते हैं प्रॉपरली ओके नाउ वट इज बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो सेवन पे वर्क करते हैं इन सर्टन वॉशिंग पाउडर्स फॉर द रिएक्शन ओके लेट्स कम टू द लास्ट थिंग ऑफ द टॉपिक व्हिच इज द मिनिमम टेंपरेचर अगर हम मिनिमम टेंपरेचर की बात करें तो हम कहते हैं अभी हमने बात की ना कि जब हम उसको रिड्यूस करते हैं तो इट बिकम इनएक्टिवेटेड बट नॉट डी तो मिनिमम आपने किसी चीज़ का टेंपरेचर जीरो किया दैट बिकम इनएक्टिवेटेड काम नहीं कर रहा लेकिन स्ट्रक्चर इंटेक्टेड है अब सिचुएशन बेटर हुई अब क्या हुआ वो स्टेट खत्म हुई वो जो एक ड्रास्टिक इफेक्ट क्रिएट हुआ था खत्म हुआ अब टेंपरेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ गोइंग ऑन ऑन एंड तो वो जिस पे इंजाइम रीगेन कर लेता है अपनी एक्टिविटी को रीगेन कर लेता है दोबारा से वर्किंग शुरू कर देता है डोरमेंसी से निकल आता है उसको हम कहते हैं जी ये मिनिमम टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब इंजाइम हुआ जब वो रीगेन करेगा अपनी एक्टिविटी को दू तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये मिनिमम टेम्परेचर है

तो मैंने लिखा हुआ है कि जी ये ऑप्टिमम है और आपको नजर भी आ रहा है कि एंजाइम इज शोइंग इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी ओवर देयर ओके अब यहां से जब हम टेम्परेचर को इनहेंस कर रहे हैं तो वो जो हमने बात की थी कि विद एन इंक्रीज इन टेन डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू होती है डबल होना शुरू होती है जीरो से टेन पे ले जाएंगे डबल हो जाएगी उससे ट्वेंटी पे जाएगी और थर्टी सेवन वो सेट पॉइंट है जहां पे वो ऑप्टिमम पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पे इट इज शोइंग इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी उसके बाद अगर आप उसको इंक्रीज करना शुरू भी करेंगे तो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है दैट वुड गेट लॉस्ट रीजन आपने पढ़ लिया है क्यों लॉस हो जाएगी क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट अटेंड फर्दर एंजाइम डी नेचर होना शुरू हो गया है सो इफ दैट इज गेटिंग डी नेचर तो इसका मतलब है कि आपके पास अब उसकी एक्टिविटी खत्म हो रही है

लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आपको आपके पास ओके okay. अब पी के, के केस में भी ऐसा ही होता है कि आपके पास एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू पी कोई एक पर्टिकुलर पी पॉइंट होता है या पी रेंज होती है जिसमें एंजाइम्स आर गोइंग टू वर्क और इसमें भी ऐसा ही होता है कि पी रेंज में वो पॉइंट यूजली uh, बड़ी बड़ी पी रेंजेस नहीं होती कोई सेट पॉइंट ही होता है पी का पर्टिकुलरली जिसके ऊपर इन्जाइम वर्क करता है अब यू ऑल नो के अगर सेवन होगी पी किसी भी चीज की तो दैट वुड बी कॉल्ड एज न्यूट्रल अगर उससे कम होगी तो दैट वुड बी एसिडिक मतलब वन टू थ्री में एसिडिक होता है और अगर सेवन से ज्यादा है तो दैट इज बेसिक ओके अगर हम पीएच uh, एच की बात करें तो हम ये कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ सेट पीएच जैसे टेम्परेचर सेट होता है तो पीएच पी भी का भी एक सेट पॉइंट या सेट रेंज होती है

सो जनरली टॉकिंग अगर हम पी एच की बात करें तो हम कहते हैं जी यूजली वेन वी चेंज इन पी एच इट अफेक्ट दाइड ऑफ द अमायनो एसिड नाउ वट डिसनो एसिड्स का क्या मतलब है ओके लेट्स हैव लुक ओवर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमायनो एसिड्स अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर लें तो हम कहते हैं जी एक कार्बन होता है सेंटर में एक इसके साथ कार्बोक्सलिक एसिड अटैच होता है पहला फंक्शनल ग्रुप एक साइड के ऊपर इट इज हैविंग अमाइन दूसरा फंक्शनल ग्रुप एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन अब ये एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है आप कोई भी अमाइन एसिड उठा लें ये स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा ये सेम रहेगा यहाँ पे ऊपर देयर इज एन आर चेन व्हिच इज दी व्हिच इज बेसिकली अल्काइल चेन दैट माइट बी हाइड्रोजन दैट माइट बी NH3 दैट माइट बी सम चेन दैट माइट बी सम रिंग

डायरेक्टली उसकी साइड चेंज अफेक्ट करना अच्छा में चेंज कैसे अगर तो हम स्लाइड चेंज लेके आते हैं तो दैट इज वेरी लिटिल चेंज तो स्लाइड चेंज अगर हम लाते हैं तो देयर वुड बीनाइेशन ऑफ माइनो एसिड्स अब माइनो एसड हो जाएंगे और आयनाइजेशन के बाद दे इनएक्टिव बट नॉट डी

तो अब क्या होगा कि रेंज चेंज हो गई जरूरी नहीं है कि आप उसकी रेंज चेंज करें अब जैसे वान तुसे वान तुसे है आप फोर से किसी इंजाइन को फाइव पॉइंट या फाइव पे ले गए तो दैटिक चेंज सो तो अब क्या होता है कि ये के sorry, amino acid के ionic charge को चेंज करेगा और उससे होगा क्या कि देयर वुड बी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स यूजुअली

वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे सो देर वुड बी डी नेचरेगाम्पल्स एंड एक्सेप्शन कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें हमारे पास अगर हम डायरेक्टली इन्जाइम्स की बात करें तो हम कहते हैं कि सब के सब इन्जाइम्स तकरीबन जो लिविंग बॉडी के हैं दे आर वर्किंग ओवर मैक्सिमली टू मैक्मलीट पर वर्क करता है लेकिन uh, जो जो वास्ट रेंज ऑफ एंजाइम है वो इस पर काम करती है लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कमिंग फ्रॉम पाया तो इट इज एक्टिवेटेड Both बोथ इन एसिडिकज वेल एज इन बेसिक पी एच ये दोनों पर काम करता है पेप्सिन जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है बाई दी गेस्ट्रिक ग्लैंड पी एच टू पर वर्किंग करता है मैक्सिमम और ट्रिप्सिन जो हमारे पास हमारी इंटेस्टाइन में है इन्जाइम बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस में रिलीज होता है पेंक्रियाटिक जूस के अंदर सो पेंक्रियाटिक सिग्निशनर ट्रिप्सन तो इसने वर्क करना है इंटस्टाइन का है और इट इज़ वर्किंग ओवर पी एच एट so that's enough for today that's all from my side if you have any query any question uh, you may ask best of luck thank you